नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय गिरी और आप देख रहे हो वीजे ऑटो ब्लॉग्स। दोस्तों आज एक ऑनरशिप रिव्यू लेने जा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू रहेगा। ये फोर्ड एक्सपायर गाड़ी है, 2017 मॉडल डीजल वेरिएंट है, टाइटेनियम। तो देखेंगे कि इतने सालों के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है जो ऑनर है गाड़ी के, मुकेश भी। आप लोगों ने इनको पहले वीडियो में देखा होगा जो वरना की डिलीवरी हमने ली थी। आज का हमारा प्लान था, हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे तो सोचा कि एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो बायर होता है, नया बायर होता है, उसको गाड़ी लेने में आसानी हो और एक गाड़ी के बारे में भी पता लग जाता है कि लॉन्ग टाइम तक अगर गाड़ी रखनी हो, 7-8 साल अगर गाड़ी हमें रखनी हो तो इस गाड़ी का कैसा फीडबैक है। तो यही सारी चीज़ें जानेंगे अपनी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ सवाल करते हैं मुकेश भैया से कि ये गाड़ी उन्होंने क्यों परचेज करी। तो मुकेश भैया, सबसे पहला सवाल है कि फोर्ड पे ही क्यों गए आप? इससे मार्केट में और भी ऑप्शंस थे आपके पास, और इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी और लास्ट में एटलीस्ट फोर्ड पे ही क्यों आए वापस आप? मैं पहले जो गाड़ी लेने गया था वो लेने गया था ग्रैंड विटारा ब्रीजा। अच्छा, ब्रीजा पे उस वक्त मेरा जो बजट था वो वीडीआई मॉडल लेने तक का था। अच्छा, तो उस वक्त वो तकरीबन 9-9.5 का बेस मॉडल था उसका। अच्छा, वीडीआई मॉडल। हाँ हाँ, जब लेने गया तो उस पे थी 4.5 महीने की वेटिंग। अच्छा, गाड़ी लेने में मेरी नीड थी। अच्छा, तो मेरा एक फ्रेंड है, सुनील नाम है उसका, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भैया ये गाड़ी लो आप जो डीजल में है, और मेरा जो मॉडल है गाड़ी का वो है टाइटेनियम, सेकंड ऑफ मॉडल है। अच्छा, उस वक्त तो मतलब शुरू में इतना अच्छा नहीं लगा था, पर जैसे ही गाड़ी मैंने ली, चलाना शुरू किया, तो मेरे को गाड़ी चलाने में इतना मजा आया। गाड़ी में पावर जो है समझो रॉकेट की पावर है। वो तो है बिल्कुल, इसको कहा भी जाता है कि डीजल रॉकेट कहा जाता है फोर्ड एस्पायर को। इससे मतलब बहुत लंबे लंबे टूर किए हैं मैंने, अकेला गया हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ, कभी कोई शिकायत रही नहीं। मतलब टचवुड, मैं अपनी गाड़ी लेके मैं बहुत खुश हूँ। मेंटेनेंस लो और आपकी परफॉर्मेंस लो, बहुत जबरदस्त है इस गाड़ी। मेंटेनेंस बहुत चीप है। ठीक है, अभी ये गाड़ी कितने की पड़ गई थी आपको? ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 8/31 की, उस वक्त 2017 में। हाँ, मैंने मई में ली थी। अब तो मेरे ख्याल से इस पे प्राइस वगैरह भी कुछ बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। अब आई थिंक ये 9.5 के आसपास। कुछ इंटीरियर भी वगैरह भी हल्का फुल्का चेंज किया गाड़ी में, उसका मुझे पता नहीं क्योंकि अभी तक मैंने वो लिया नहीं है, ठीक है, देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरी संतुष्टि है मेरी गाड़ी से। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी इसकी सर्विस कॉस्टिंग क्या आती है आपको? अब डीजल गाड़ी कोई भी लो जनरली 10-12 हज़ार सर्विस की कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, मगर मुझे अब तक इसकी जो एवरेज हम कॉस्टिंग मान के चले 8 हज़ार के आसपास पड़ा ही है हमेशा। तो जैसे आपकी फर्स्ट सर्विसेज कितनी फ्री थी? मेरे ख्याल से 5 सर्विसेज फ्री मिलती है। नहीं, मुझे उस वक्त 3 सर्विसेज फ्री मिली थी। अच्छा, हाँ। तो सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है, मतलब फ्री सर्विस के बाद सर्विस कॉस्ट क्या आई आपको? तकरीबन 8-10 हज़ार, कभी 8 हज़ार, कभी 10 हज़ार। तो सर्विसेज सारी आप सर्विस सेंटर से कराते हो? हाँ, मैंने आज तक कभी गाड़ी की सर्विस बाहर नहीं कराई, क्योंकि मेरा मानना है गाड़ी का प्रॉपर जो चेकअप है वो आपके सर्विस सेंटर पे ही हो सकता है। आपकी हर छोटी मोटी चीज की सुनवाई होती है, कोई भी दिक्कत है मैं कभी ले जाता था, वहाँ से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता था, तो मेरे को कभी कोई शिकायत रही नहीं। मेरे ख्याल से ये रीजन है, एक ये भी है कि गाड़ी जो 1,36,000 किलोमीटर चली है सारी जेन्युइन सर्विस हुई है, मतलब सर्विस सेंटर से ही। तो एक ये रीजन भी हो सकता है कि गाड़ी इतना अच्छा चल रही है, मैंने खुद चला के भी देखी गाड़ी। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट सवाल अगर पूछे तो इसका माइलेज क्या आता है आपको सिटी और हाईवे के अंदर, अगर दोनों को पूछा जाए? इसका मिनिमम अगर हम माइलेज लें, चाहे कितना भी क्राउड हो, चाहे कितना भी रश हो रोड में, तो कम से कम 18-19 का माइलेज इसका रहता है, और हाईवे पे ये गाड़ी 24-25 का माइलेज बड़े इजीली दे देती है, बड़े प्यार से। ठीक है, और डीजल पे ही क्यों गए आपकी, क्या रनिंग वगैरह ज्यादा थी क्या? हाँ, एक्चुअली अभी 4 साल कंप्लीट हुए नहीं है, 1 महीना बाकी है, और मेरा शुरू से ही रनिंग का काम बहुत रहा है, तो इसलिए मेरा डीजल पे जाना मेरे को ज्यादा सूट करा। अच्छा, डीजल पे ये है कि गाड़ी कितना लंबा चला लो, कुछ भी है तो गाड़ी के इंजन में दम रहता है। डीजल इंजन की एक खास बात है, हीट होने के बाद भी गाड़ी दबती नहीं है, एसी चला लो कुछ भी चलाओ तो गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे आपने सबसे लंबा ट्रिप कहाँ कहाँ मारा हुआ है इसमें आपने? मैंने सबसे लंबा ट्रिप जो मारा है इस गाड़ी का वो मारा है नेपाल का। नेपाल का, ये क्या? मेरा फ्रेंड सूरज और एक मेरे मामा का लड़का है संजू, तीनों गए थे नेपाल। तो 6 दिन में हमने गाड़ी जो चलाई थी, अकेला मैं ही ड्राइवर था, हमारे सूरज भाई है उनको थोड़ा अभी हाथ साफ नहीं है, और जो संजू का ड्राइवर है मगर उसको गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको गाड़ी दी नहीं। तो क्या वो वन शॉट ट्रिप थी या फिर आपने बीच में कहीं छोटा मोटा हॉल्ट वगैरह लिए? हम नहीं, नेपाल गए थे। नेपाल हमने जो एंट्री करी थी तकरीबन 1.5 दिन में करी थी, क्योंकि पहली बार गए थे और हम निकले भी लंच के बाद थे। अच्छा, और उसके बाद हमारा 6-7 दिन का टूर था, तो 6-7 दिन में जो हमारी गाड़ी रनिंग करी थी तकरीबन 3800 किलोमीटर के आसपास की रनिंग हुई थी। ठीक है, तो 3800 किलोमीटर मैंने ही चलाया था। चलिए, ये तो अभी इसमें आपको अच्छा क्या लगा, मतलब ओवरऑल एक एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो गाड़ी में अभी तक इतने साल
साल हो गए अमेरिका में, 4 साल हो गए आपको लिए हुए। हाँ, तकरीबन। तो इसमें आपको पॉजिटिव चीजें क्या क्या लगी कि जैसे हम किसी कस्टमर को रिकमेंड करें कि क्या क्या चीजें इस गाड़ी में अच्छी है आपको जो बेस्ट लगती है? मेरे हिसाब से डीजल इंजन इसका बहुत सुपर्ब है। हाँ, और मेंटेनेंस भी डीजल के हिसाब से कोई खास नहीं है। और एक सेडान गाड़ी में डीजल का इंजन 1500 सीसी का मिलना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका बूट स्पेस भी काफी अच्छा है। हाँ, बूट स्पेस तकरीबन आपका 380 लीटर के आसपास है। ठीक है, मेरी रनिंग ज्यादा है, मेडियल भी कुछ ले जाना पड़ता है कभी, तो मेरे को डीजल गाड़ी और सेडान गाड़ी ज्यादा सूट करती है, इसलिए मैंने इसको लिया। कंफर्ट कैसा है गाड़ी में जैसे आप बैठ रहे हो आगे, इतनी गाड़ी आपने चलाई है? मैं औरों का देखो कहता नहीं है, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जैसे बताया आपको अभी, मैंने 3800 किलोमीटर मैंने अकेले ने चलाई है गाड़ी ये 6-7 दिन में, और पहाड़ों पे मैक्सिमम गाड़ी रही है। तो आप इसको चाहे एक दिन में आप 1000 किलोमीटर भी चला लो, इसकी ड्राइविंग इतनी कंफर्ट है कि थकान महसूस नहीं होती और इजीली चला सकते। जो रियर सीट्स हैं उसका कैसा कंफर्ट है? रियर स्पीड जो सीट्स है स्पेस काफी अच्छा है, आदमी कंफर्ट होकर बैठ सकता है, कोई शिकायत नहीं है कैसी भी। मैं क्योंकि जो कभी यार दोस्त चलाते हैं बाहर जाते हैं तो मैं भी पीछे बैठता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, हैंड रेस्ट भी है पीछे, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। अच्छा, पीछे मुझे एक ही चीज की कमी लगी है जो मैंने वो कल नोटिस करी कि पीछे डोर्स के अंदर आपको बॉटल होल्डर्स नहीं दिए हुए हैं। हाँ, तो ये एक कमी है, ये एक प्रॉब्लम है। आगे फ्रंट में दिया हुआ है बट पीछे रियर सीट्स पे आपको बॉटल होल्डर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल क्या हुआ कि मैं पानी पीने के लिए जब बॉटल रखने की जगह देख रहा था तो वहाँ पे आपको मतलब स्पेस नहीं मिल रहा था रखने का, तो ये एक चीज मैंने कल नोटिस करी है इसमें। और आप जानेंगे कि आपको इसमें मतलब नेगेटिव क्या क्या लगे गाड़ी के अंदर कि ये चीजें अगर होती तो और ज्यादा बेटर हो सकता था इसमें। नेगेटिव एक तो मुझे सबसे पहले लगा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और अगर मेरे यूज की बात करें औरों का नहीं कहता। अभी एक चीज मैं करेक्शन बता दूंगा कि ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक इसकी 174 mm है जहां तक मुझे पता है, तो आई थिंक इतनी है, अगर वो होगा तो मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा एग्जैक्ट। तो मेरे हिसाब से और भी गाड़ियां आती है जैसे स्विफ्ट वगैरह हो गई, उसकी 165 है, या फिर मेरी अल्ट्रोस की अगर बात करी जाए तो उसकी 165 mm है, तो उसके हिसाब से 174 mm भी आपको कम लग रही है इसमें? हाँ, एक्चुअली रनिंग ज्यादा है, कभी रफ एंड टफ ड्राइव होती है, मैक्सिमम पहाड़ों पे बहुत रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसका बूट अपना जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होना चाहिए था। जैसे पीछे फुल पैसेंजर बैठे हो तो थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि हल्की फुल्की नीचे जाती होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेडान गाड़ी है, सस्पेंशन के देखो थोड़ा तो दबता ही है अगर लोग पीछे बैठेंगे। पर अभी ऐसा हुआ नहीं है इतना, क्योंकि अब पीछे आपने जैसे बताया कि बॉटल स्पेस नहीं है साइड विंडो का, तो मैं मैक्सिमम पीछे बैठा नहीं हूँ कभी, तो मुझे ये बात कभी महसूस नहीं हुई। अच्छा, 4 साल हो गए गाड़ी में किसी तरीके से नॉइज वगैरह जैसे खटर पटर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस मैंने प्रॉपर हमेशा सर्विस सेंटर पे ही कराया है। ठीक है, तो मुझे आज तक कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है हमेशा गाड़ी हो गई, आपका टू व्हीलर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई सर्विस ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर होके रखो तो आपको कभी नुकसान नहीं देगी, कभी धोखा नहीं देगी। कोई मेजर पार्ट वगैरह अभी तक कोई चेंज हो जैसे सर्विसिंग में कि बड़ा कोई पार्ट खराब हो गया? हाँ, अब तक मैंने इसकी एक बार क्लच प्लेट चेंज कराई है बस। उसकी क्या कॉस्टिंग आई थी, आइडिया कुछ हो? तकरीबन उस वक्त मेरा जो खर्चा आ गया था 13-14 हजार रुपए खर्चा आ गया था टोटल। अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो की, तो उसकी क्लच प्लेट भी ऑलमोस्ट सेम है, जबकि उसका इंजन बड़ा है इससे, 1500 cc का इंजन है जैसे मैं आपको बता दूं अगर जिनको नहीं पता, तो ये सब चीजें हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज कैसी लगी गाड़ी आपको? वैसे तो नो डाउट फोर्ड की कोई भी गाड़ी है वो बिल्ड क्वालिटी, अभी एनकैप क्रश टेस्टिंग नहीं हुई उसकी, बट उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि फोर्ड की सारी ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं एक ओनर से पूछना चाहता हूँ कि आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ, एक बार घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो एक काफी हैवी मंकी होता है, वो मंकी तकरीबन 3 माले से ऊपर से कूदा था इसकी रूफ पे। उसके बाद गाड़ी थोड़ा सा ऊपर से मतलब दबी है जो छत है इसकी, उसके बाद भी उतना नहीं दबी है। हाँ, इतना मुझे बता, अगर गाड़ी मारुति वगैरह या किसी और कंपनी की होती तो काफी दब जाती। एक चीज हिसाब से वो कूदा था। एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा, हम किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बताता है कस्टमर वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मारुति की डिफेम नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस जो कस्टमर का वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं। आगे बताइए क्या करते हैं। तो वो जो मंकी था बहुत हैवी था, जिस हिसाब से कूदा था मेरे सामने, मुझे लगा था कि गाड़ी का छत जो है वो अंदर घुस जाएगी काफी ऐसा लगा मुझे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब मुझे पता लगा कि हाँ, गाड़ी की जो छत है वो काफी सॉलिड है, बाकी साइड विंडो है वो तो चला के है, तो पता लग ही जाता है कि हाँ, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है ऐसी कोई भी। अच्छा,
जिस एरिया में लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पे ये कुछ 3-1 सालों में या 2 सालों में अभी मीठा पानी आना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले यहाँ पे क्या था कि सॉल्टी वाटर खारा पानी आता था। तो आपका क्या रस्टिंग वगैरह का कोई इशू आया क्या उससे लेके अभी तक? रस्टिंग वगैरह का तो ऐसा कोई इशू आया नहीं अभी तक तो। बाकी ये है कि जैसे बाहर की टूरिंग ज्यादा रहती है, कभी कोई पत्थर वगैरह लग गया तो गाड़ी में कभी कभी जब पानी में बारिश में चलते हैं, आज की डेट में स्टार्टिंग में तो नहीं था, तो कभी कभी ऐसा लगता नीचे का मैट गीला हो गया। अच्छा, तो वजह ये कि नीचे पत्थर वगैरह कुछ ना कुछ लग जाता है। और वैसे भी गाड़ी इतनी ज्यादा चल चुकी है, और दूसरा क्या है कि 4 साल हो गए तो काफी यूज में आई गाड़ी, तो थोड़ा बहुत तो ये चलता है क्योंकि टीयर एंड वेयर तो होते रहते हैं इतने किलोमीटर चलने के बाद, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसमें हम लोग ज़्यादा इसको कोई मतलब उस तरीके से नहीं ले सकते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ों में काउंट आएगी। तो ओवरऑल आप रिकमेंड करते हो गाड़ी, जैसे आज की डेट में और भी इसके कॉम्पिटिटर हैं, ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या आप इसको रिकमेंड करोगे कि हाँ ये गाड़ी लेनी चाहिए अगर आज की डेट 2021 की बात करूँ तो? हाँ देखो, अभी हालांकि ऑनलाइन ही है, कभी देखा है कि अभी जो इन मॉडल्स इसका नया अपडेट हुआ है और इसकी जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है और सॉलिड बना दिया गया है, वो मैं कहूँगा हाँ, अगर परफॉर्म की बात करो, परफॉर्मेंस की और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, एक चीप और बेस्ट अगर गाड़ी लें तो फोर्ड हमें ज्यादा सुटेबल करेगी। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने सब चला के देखा गाड़ी को, तो बिलीव मी जो ये गाड़ी चलाएगा आप फोर्ड एस्पायर चला लीजिए, फोर्ड फीगो या फिर फ्री स्टाइल, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि गाड़ी एक बार चलाने के बाद आपके फेस पे स्माइल रहेगी, क्योंकि मतलब इसके अंदर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, और एक बार ये टेस्ट ड्राइव जब आप लेंगे तभी आपको इसका फील आएगा कि हाँ ये गाड़ी कैसी है। तो ओवरऑल मतलब आप खुश हो इस गाड़ी से कि हाँ? हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा एक छोटी चीज़ और जी, मेरा पहले ये गाड़ी लेने का मूड ही नहीं था। ठीक है, आपको वजह ये थी कि मैंने जो मेरे को जो टेस्ट ड्राइव कराई थी शोरूम वालों ने, वो पेट्रोल वर्जन की कराई थी। अच्छा, पेट्रोल वर्जन। मैं एक बार यहाँ पे एक और चीज बता दूं, की बात पेट्रोल वेरिएंट आपको इतना मजा नहीं देगा, मैं अभी बता रहा हूँ। डीजल में ही सिर्फ आपको जो इसका मजा आएगा वो डीजल में ही है, पेट्रोल वेरिएंट में आपको इतना मजा नहीं आएगा। आगे बताइए क्या करें। मैंने पेट्रोल गाड़ी का मैंने ट्रायल लिया था तो मेरा मूड एकदम खराब हो गया था उस गाड़ी को चला के। विंडो में नॉइज थी, गाड़ी हल्की थी, ऐसा लगता था वो चलती हुई चल रही है। तो मेरे को उस गाड़ी का मैंने लेने के बाद बिल्कुल ही मूड, मतलब ट्रायल करने के बाद बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था कि ये गाड़ी नहीं लेनी। उसके बाद विटारा लेने गए वीजा बुकिंग के लिए, तो पता लगा 4.5 महीने की वेटिंग है, तो वहाँ पे मैं अपसेट हो गया। अब मेरे बजट के अंदर और डीजल में गाड़ी, वो भी सडन। फिर मेरा एक फ्रेंड है सुनील, उसने मुझे बुलाया कि भैया आप आओ, फिर मुझे उसने डीजल गाड़ी का ट्रायल कराया। ठीक है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ। अच्छा एक सवाल और रहेगा कि यहाँ पे फोर्ड की सर्विस कैसी है, मतलब आपको वहाँ पे किस तरीके से कोई परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ी उनका बिहेवियर वगैरह या फिर? नहीं, फोर्ड के सर्विस सेंटर, देखो मैं तो अब तक जब भी गया हूँ मैं एक ही सर्विस सेंटर पे गया हूँ, बाबा फोर्ड, जहाँ से मैंने ये गाड़ी ली थी फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद से, और उसी के सर्विस सेंटर पे मैं ये गाड़ी की सर्विस कराता हूँ हमेशा। तो वहाँ पे आपको सर्विस एडवाइजर प्रॉपर अटेंड करते हैं। पर्टिकुलर मैं एक नाम लेना चाहूंगा मेरे लिए, वहाँ पे है एक मिस्टर हुसैन। अच्छा, और वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। तो मैं ये कंपनी को भी रेकमेंड करूंगा पावा फोर्ड को, कि उनका थोड़ा सा कुछ अपग्रेड करें अगर कर सकते हैं तो। ये मैं पर्सनल व्यू में कह रहा हूँ आपको। डिस्काउंट्स वगैरह आपको कुछ मिला था इस गाड़ी पे क्या? हाँ, गाड़ी पे जनरली डिस्काउंट्स आते रहते हैं सर्विस पे, और उसमें 10% आता है, कोई 15% आता है। बाकी वहाँ पे जो सर्विस एडवाइजर है वो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होते हैं वो करवा देते हैं अपने को एक कस्टमर रिलेशन के लिए, और मतलब जो भी जनवन होता है कि उनके शोरूम का नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान। कभी आपने ये सोचा कि भाई जैसे फोर्ड की गाड़ियों की सेल थोड़ी बहुत कम है इंडिया में, तो आपने रीसेल का सोचा नहीं था कि उस टाइम पे कि यार गाड़ी को ले रहे हैं रीसेल कैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो उसके पीछे अपने अपने लॉजिक है, अपने अपने एथिक्स है। मेरा मानना ये है कि हम जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं यूज करने के लिए, तो हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हम उसको बेचेंगे दोबारा या हम बेचने के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रीसेल का मतलब ये हो गया आप ले रहे हो, आप कल बेच दोगे उसे। आप कोई चीज यूज करने के लिए ले रहे हो तो आप ये देखोगे ना कि कितना सॉलिड रहेगा, कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। सपोज हम जैसे फ्रीज लेते हैं, हम फ्रीज को बेचने की कभी सोचते नहीं, हमें पता है एक जगह फिक्स रहेगा और हमें अच्छे से अच्छा चाहिए, तो जनरली हम वर्लपूल पे जाएंगे। एक ब्रांड बना हुआ है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, जो चीज यूज भी करा है ट्रस्टवर्दी है, उसी पे जाएंगे। हाँ बस यही अपने अपने लॉजिक की बात है। तो मैंने ये गाड़ी रीसेल की वजह से नहीं ली, मुझे इसका यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, इसकी केयर भी करनी है, तो मैं गाड़ी की केयर करूंगा तभी ये मेरी केयर करेगी। टायर्स वगैरह आपने जो फर्स्ट टाइम कितने किलोमीटर पे चेंज कराए थे वो कुछ बता? गाड़ी के साथ जो टायर आए थे वो अपोलो के थे, और
फर्स्ट टाइम जो मैंने टायर चेंज कराए थे वो नेपाल टूर पे जाने से पहले कराए थे। मतलब ये चारों टायर चेंज कराए थे कि? हाँ नहीं, चारों टायर अच्छा। चेंज कराए थे मैंने। हाँ। और उस वक्त गाड़ी की जो रनिंग थी 80,000 के आसपास थी। अच्छा, तो 80,000 में मैंने पहली बार गाड़ी के टायर चेंज कराए थे। और अभी मेरी गाड़ी जो चल गई है 1,37,000 चल गई है। अच्छा। और अभी तक मैंने दोबारा टायर चेंज नहीं कराए। अच्छा, मतलब अभी इसकी थोड़ी बहुत ग्रिप अभी बची हुई है इसमें। हाँ, अभी काफी ग्रिप है क्योंकि मैं रफ एंड टफ ड्राइव कभी नहीं करता। मुझे पता है गाड़ी कितना चलाना है अंडर कंट्रोल। 90 से वो मैं चलाता नहीं, चाहे कितनी लंबी रनिंग हो, थकान होती नहीं है तो कम्फर्ट रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और सारे सवालों का जवाब मुकेश भैया ने दिया है। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई हो। और एक जब इस गाड़ी का अगर प्लान कर रहे हो या फिर फोर्ड की किसी भी गाड़ी का अगर प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी गाड़ी लेते वक्त, क्योंकि 1,36,000 किलोमीटर कम नहीं होते। और एक ऑनरशिप रिव्यू था, ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू था, सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर दी गई हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। मुकेश भी एक बार बाय बाय कर दो। बाय फ्रेंड्स।